गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं का नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में अध्याय 11 है। अध्याय का नाम है ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर। ठीक है, पिछली कक्षाओं में हमने जेंडर क्या होती है, थर्ड जेंडर क्या होती है, ठीक है, जेंडर समानता क्या होती है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है जेंडर भेदभाव को समाज से दूर करने के उपाय। ट्रांसजेंडर्स के साथ किए जाने वाले भेदभाव को परिवार एवं समाज से दूर करने के उपाय। ठीक है, जेंडर भेदभाव जानते हैं हम, लड़की एवं लड़कों के पालन पोषण में अंतर किया जाता है। लड़कियों को जितना महत्व दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता है। साथ ही पिता की संपत्ति में लड़कियों को अधिकार नहीं दिया जाता है। उनके पालन पोषण, शिक्षा में तथा उनके कार्य क्षेत्र में भी लड़कों से अंतर पाया जाता है। इन्हीं भेदभाव को समाज एवं परिवार से दूर करने के उपाय, तो हमें सबसे पहले इनको दूर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। लड़का एवं लड़की को समाज में समान महत्व देना चाहिए तथा उनके पालन पोषण में कोई अंतर नहीं करना चाहिए। और लड़की के कार्य केवल परिवार के पालन पोषण एवं घर के कार्यों तक सीमित नहीं करनी चाहिए, बाहर भी उनको कार्य करने के अधिकार देने चाहिए। लड़की की समान लड़कियों को कार्य करने के लिए समान वेतन देना चाहिए। उनके वेतन या परिश्रमिक में किसी प्रकार की कटौती नहीं करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक, इंजीनियर, कलेक्टर जैसे पदों में लड़कियों को भी अवसर देना चाहिए। तथा हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक में भी लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको भी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार जैसे अधिकारों के प्रति सचेत एवं जागरूक करना चाहिए। अगर समाज में जेंडर भेद किया जाता है तो हमें इसके प्रति स्वयं सचेत होना चाहिए, इनको दूर रखनी चाहिए तथा इनके संबंध में जागरूकता फैलानी चाहिए कि जेंडर समान है, लड़का एवं लड़की में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। और स्कूल तथा पाठ्यक्रमों में भी जेंडर जैसे पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए, जिससे जेंडर समानता आ सके और जेंडर भेदभाव दूर हो सके। ठीक है, फिर हम आते हैं ट्रांसजेंडर के साथ समाज में किए जाने वाले एवं परिवार में किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के उपाय। ट्रांसजेंडर, ये थर्ड जेंडर, तृतीय लिंग, ये हमारे समान ही होते हैं तथा इनको समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसको जिस प्रकार हमको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ट्रांसजेंडर को भी उसी प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। पिता की संपत्ति में भी इनको समान अधिकार देना चाहिए। समाज के लोगों के द्वारा इन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये समाज में अपना कदम रख सके और समाज में आगे बढ़ सके तथा इनको अनेक कार्यों में क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। इनको जिस प्रकार हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, ट्रांसजेंडर को भी उसी प्रकार मौलिक अधिकार एवं समानता का अधिकार प्रदान करना चाहिए, जिससे ये आगे बढ़ सके और समाज में अपना अस्तित्व स्थापित कर सके तथा हंसी के पात्र न बने। आज में बस इतना ही। थैंक यू।